हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आरसीआई एजुहब ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 11 बायोलॉजी, 8 चैप्टर द सेल। टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल, ससीम केंद्र की कोशिका। यहां पर यूकैरियोटिक जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, यू कारियोन। यू का मतलब होता है यहां वेल, और कारियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। वेल से सुसंगठित और न्यूक्लियस, वेल का मतलब सुसंगठित, न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्र। ऐसी कोशिका जिसके अंदर सुसंगठित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं यहां से, यानी कि झिल्ली युक्त सुगठित केंद्रक प्लस झिल्ली युक्त कोशिका, जिसमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। ऐसी कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इसमें प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर और इसमें डिफरेंस है, बिल्कुल थोड़ा सा विपरीत है। वहां पर सूत्री विभाजन नहीं पाया जाता था, यहां सूत्री विभाजन ये पाया जाता है। वहां पर आनुवांशिक जो पदार्थ था, आनुवांशिक पदार्थ वो डीएनए था, जबकि यहां पर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन इससे मिलकर बना होता है। अर्थात वहां पर या प्रोकैरियोट कोशिका जो होती है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, और यहां पर डीएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाने वाला जो डीएनए है वो गुणसूत्रों के रूप में, गुणसूत्रों के रूप में सुगठित होता है। इसमें राइबोसोम जो होता है वो दो प्रकार का पाया जाता है, 70S और 80S राइबोसोम। इनकी सब यूनिट्स उप इकाइयां जो होती हैं, 70S दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, एक बड़ी उप इकाई होती है 50S, छोटी उप इकाई जो होती है वो 30S। 80S राइबोसोम भी दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, बड़ी उप इकाई 60S और छोटी उप इकाई जो होती है वो 40S से मिलकर बने होती है। इसमें जीव द्रव्य कला, कोशिका झिल्ली जो होती है इसके अंदर पाया जाने वाला जो पदार्थ है, पदार्थ जीवित पदार्थ, इस जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहा जाता है। और जीव द्रव्य में से यदि केंद्रक को हटा दिया जाए तो शेष बचा जो पदार्थ होगा वो साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव कहलाता है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर विभिन्न झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर जो पढ़ा उसमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। इसमें पाए जाने वाले जो कोशिकांग हैं वो निम्न प्रकार से हैं। इसमें पाए जाने वाले कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, ये भी दो प्रकार की होती है, एक एस ई आर और आर ई आर। ये होती है चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका, अर्थात इसके अंदर राइबोसोम जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। आरईआर के अंदर ये होती है खुरदरी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, जिसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें पाई जाती है। इसके अलावा लाइसोसोम, स्फीरोसोम, ऑक्सीसोम, रिक्टिका आदि जो कोशिकांग हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके जो एग्जाम्पल हैं ससीम केंद्र की कोशिका के, उसमें पादप कोशिका मुख्य रूप से और जंतु कोशिका, अधिकांश पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं जो होती हैं ये ससीम केंद्र की होती है। अब इसके डायग्राम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, और डायग्राम के अंदर हम यहां पादप कोशिका का जो चित्र होता है उसको देखेंगे। इसके अंदर केंद्रक है और बड़ी रिक्तिका इसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा इसमें अन्य कोशिकांग जो कि झिल्लीयुक्त होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। सबसे बाहर की ओर जो झिल्ली पाई जाती है वो कोशिका भित्ति, इसके अंदर की ओर कोशिका झिल्ली, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के चारों ओर केंद्रक आवरण होता है, इसमें केंद्रिका ये उपस्थित है। केंद्रक के अलावा नाभि भाग बचा हुआ है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव, रिक्तिका है। माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें दो प्रकार की जहां पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं उसको आर ई आर, और जहां राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं उसे एस ई आर बोलते हैं। इसके अतिरिक्त इसके अंदर स्फीरोसोम, राइबोसोम, इसके अलावा इसके अंदर एक्टिन तंतु, हरितलवर और परोक्सीसोम। ये एक्टिन तंतु परोक्सीसोम लवक,
आदि इसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो डायग्राम है पादप कोशिका का वो कंप्लीट होता है। इस प्रकार यूकैरियोट कोशिका जो है वो कंप्लीट होती है यहां। थैंक यू।